गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपको एक प्लांट ऐसा लेके आए हैं जो काफ़ी हार्डी होता है, जिसमें जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो कई गुना कई बहुत ज़्यादा है। हमारे हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और उसकी ग्रो और उसकी केयर और उसकी देखभाल वगैरह बहुत बहुत कम करना पड़ती है। तो आज हम ऐसे ही एक प्लांट लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम दोस्तों सिंगोनियम है। कुछ लोग उसको एरो हेड भी बोलते हैं। एरो हेड का जो कॉज है बेसिकली हम एरो हेड देखते हैं। इसकी जो ये जो पत्तियां होती हैं, ये देखिए साइड से ऐसे एरो की तरह आप देख रहे हैं ना, ये इसकी जो पत्तियां हैं ऐसे एरो की तरह आती थी, इसीलिए इसको जो है ना एक नाम जो है ना एरो हेड का दे दिया है। अब हम इसकी दोस्तों मैं तीन वैरायटीज अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ। मैं एक वैरायटी में आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये पत्तियाँ उसी तरह की रहती हैं पर विल्ट रहती हैं, एक दूसरे में ऐसे इस तरह की हो जाती हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। इसका कलर भी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका कलर भी देख रहे हैं आप जो है ना, ये कलर जो है ना इसका अलग ही है। और इसी का दोस्तों हम एक दूसरा और लेते हैं अभी आपको, ये मैं आपको एक दूसरा इसी का देखिए, एक वैरायटी ये हो गई, एक देखिए दोस्तों हमारी एक ये वैरायटी है, ये देखिए इसकी पत्तियों को थोड़ा पतला हो गई है और है उसी तरह की, ये देखिए। तो ये भी देखिए जो नई पत्ती निकल रही, देखिए उसी तरह की ये पत्ती है। तो ये हमारे पास दो हैं और एक दोस्तों मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारी तीसरी वैरायटी है। इसमें ये जो है ना बड़ा हार्डी होता है, आप इसको एक बार लगा लोगे ना तो ये फिर आपका सालों साल चलता रहेगा, आपके पास ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये हम अब आपको थोड़ा सा हम ये दिखाना चाहेंगे कि इसको हम प्रपोगेट कैसे करते हैं। एक बार हम ले आए हैं तो इसको हम कैसे प्रपोगेट करेंगे दोस्तों, मैं ऐसे दिखा के बोलता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्रोपोगेट करने का इसका तरीका क्या है। ये जैसे हमारा ये वाला प्लांट है, ये जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो यहाँ से देख ले रूट्स निकलती हैं, तो यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से रूट्स निकल रही हैं ये देखिए, तो यहाँ से कट करके इसको कट करके हम इसको दोबारा से रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के बाद या कुछ हम इसको पानी में ग्रो कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसको, ये हमने इसमें मनी प्लांट के साथ में दोस्तों ग्रो किया है। अभी मैं आपको मनी प्लांट अलग करके इसको दिखाता हूँ, ये मनी प्लांट के साथ ग्रो हो गया है। तो मनी प्लांट हम इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे रिपोर्टिंग होता है, कैसे ये जो है ना। ये देख रहे हैं दोस्तों जो हम इसका जो मनी प्लांट है वो हम अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए मनी प्लांट है, इसमें दो तीन तरह के लगे हुए हैं, वो मैं सभी के सभी को अलग कर लेते हैं। ये देखिए सभी के सभी हमने ग्रुप में लगा दिया था। तो मनी अब आप देख रहे हैं ये कितना गुच्छा, देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो गया है, देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स इसमें से आ गई हैं। तो होता ये है कि इसको जो है ना हमने पानी में डाल दिया था, तो पानी में डालने के बाद दोस्तों ये इस तरह से ग्रो हो गया। अब हम इसको दोस्तों रिपोर्टिंग करेंगे, ये देखिए हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, तो हमें रिपोर्टिंग के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये जो डेड इससे बिल्कुल रॉटेड हो गई हैं, पानी में पड़ी रही हैं, तो ये इनको हम सभी को दोस्तों थोड़ा सा साफ कर देंगे। ये बेसिकली इसका कोई विशेष पौधों में हानि नहीं होती है, पौधों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और हम देखेंगे इसके जो सबसे नीचे जो है ना ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हम इसको जो जॉइंट्स है इसको हम काट के इसको निकाल देंगे। ऐसे कुछ देखिए जॉइंट्स हैं इस तरह के, हम इसको यहाँ से तोड़ के निकाल देंगे। ये देखिए इससे भी दूसरा पौधा ग्रो हो जाता है। ये देखिए सभी जो नीचे एक्स्ट्रा लग निकले हुए हैं इनको हम सबको दोस्तों निकाल देंगे, ये सब को सब हटा देंगे।
इसे फंगस लगा हुआ है ना, तो हम सभी के सभी को हटा देंगे ये। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, थोड़ा सा भी आपको ये देखिए जो नीचे की जो जड़ें लग निकली थी, हम इस सभी को हटा देंगे ये। अब हमारा देखिए एक गुच्छे में तैयार हो गया, इसको हम देख लेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, एक साइज में लगा लेंगे। ये देखिए इसको हम सभी को अलग अलग करके, इसमें जो पत्तियां वैसी हैं उसको हम निकाल लेंगे और सबको अलग अलग करके एक साइड में लगा लेंगे। ये देखिए आप देख रहे दोस्तों, सोच रहे हैं मई का महीना आ गया, मई करीब है 4 मई हो गई है, और इतने मई में लोग कहते हैं कि इसको जो है ना रिपोर्टिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा चल जाएगा। इतना हार्डी ये होता ही है कि इसमें कभी भी किसी चीज़ का नुकसान नहीं है, किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं। ये देखिए इसमें भी कुछ जड़ ऐसे हैं जो हम अभी एक्स्ट्रा काफ़ी हैं, हम उनको सभी को निकाल देंगे। ये देखिए देख रहे दोस्तों ये हमारी अब हमारी ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक गमला लेंगे, तो हम इसको इधर इसमें लगा देते हैं, हम इसमें इसको लगाएंगे दोस्तों। तो जो हमारे पहले से लगे हुए हैं इनको हम हटा देंगे। देखिए इनकी ये काफ़ी जड़ें होती हैं, ये देखिए हमारे उसमें लगे थे बेसिकली, ये जो है ना जब नीचे की जड़ बड़ी हो जाती तो ये देखिए ख़राब हो जाती है। ये देखिए तो हम इनको हटा देंगे। ये देखिए जड़ें हैं, ये देखिए इसमें जड़ हैं, ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमें इसको हम हटा देंगे, इसको जो है ना इसकी जड़ जो है ना ये देखिए रूट्स हैं, इसको हम इसमें लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे। और इसको भी दोस्तों हम ऐसा एक ग्रुप में बना लेंगे, सबको सिमेट्रिकल ले लेंगे। और ये भी देख रहे यार, इसको भी ऐसे सिमेट्रिकल लगा के, ये देखिए ये हमने बना लिया जैसे मैंने इसको बांध के रखा था, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इसी तरह का तैयार हो जाएगा। अब हम दोस्तों गमले की तैयारी करते हैं। ये हमारा गमला पहले से तैयार है, थोड़ी सी हम इसकी मिट्टी कम कर लेंगे। इसमें कुछ मिट्टी दोस्तों बहुत स्टिकी होती है, हम उसको हटा देंगे। सारे को देखिए, सारे जो जितने भी सभी के सभी को हम दोस्तों इसको इस तरह से यहाँ बैठा लेंगे। बैठाने के बाद हमारे पास जो ये मट्टी बनी हुई है दोस्तों, हम इस मट्टी को जो है ना इसमें डाल देंगे। आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं अभी आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ये देखिए सब देख पा रहे हैं, ये देखिए अब नहीं दिख रहा, तब दिख रहा था सब। पैरेलल करोगे तभी तो दिख रहा है, सब दिख रहा था से आती है। दोस्तों मैंने इसको इसमें लगा दिया है और इसकी रूट्स को जो है ना हम कायदे से इसको दबा लेंगे, जिससे जो है ना रूट्स में कोई एयर स्पेस ना रहे। ये देखिए ये जो हमारे पत्ते हैं इनको हम एक दूसरे में जो है ना ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो ये जो है ना पत्ते ऊपर चले जाएंगे, जो भी फैल रहे पत्ते उनको हम एक दूसरे में ऐसे लपेट देंगे। कुछ पत्ते इधर आ रहे हैं तो इनको भी जो है ना इसके साथ में जो है ना ये आप देख रहे हैं इनके साथ में ऐसे इसको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा मिट्टी हम इसमें और डालेंगे।
सबसे ऊपर से दोस्तों ये बर्मी कंपोज है हमारी, ये हमारी बर्मी कंपोज है, इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे जैसे न्यूट्रिशन से जो है ना इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों एक ये हमारा लक्के तैयार हो गया और ये हमने पहले लगाया था, ये देखिए ये दो तैयार हो गए। तो ये हमारा सिंगोनिया में इसको हम कहीं पर भी रखेंगे, छाया में रखेंगे। अब हम दोस्तों इसकी थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी बता देते हैं कि ये जो प्लांट है बेसिकली जो है ना हमारा, ये देखिए ये प्लांट को मैंने नीचे से रूट्स निकल रही थी, ये कुछ कंकड़ रख दिए हैं जिससे गंदगी ना आए, ये हमारे अंदर रखा हुआ था काफ़ी दिन से। और दोस्तों इसकी जो सिंगोनियम है ये इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने वो ये है कि ये प्लांट जो है ना हमारा ऑक्सीजन जनरेटेड है, ये ऑक्सीजन हम लोगों को हर समय प्रदान करता रहता है, देता रहता है। और इसमें जो घरों में टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, जो कीटोन बॉडीज़ हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं उनसे, तो वो सभी के सभी इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो ये हमारा एक प्लांट था सिंगोनियम, जिसको हम एरो हेड बोलते हैं। ये हमने देखिए एक से कई प्लांटों को बनाया है और ये कई प्लांट से जो है ना हम अलग अलग जगह पे इनको प्लेस करते हैं, अलग अलग जगह इनको रखते हैं, जिससे आप देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत चलता है, ये इसी तरह से हरा बना रहता है। अब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली जो है ना बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना होता है, और जब ये सर्दियाँ रहती हैं या गर्मियाँ रहती हैं या बहुत बरसात रहती है तो बरसात में तो ये सर्वाइव बहुत अच्छा करता है। गर्मियों में दोस्तों इसको टेम्परेचर जो है ना मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में ये जो है ना थोड़ा सा डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है और इसकी जो पत्तियाँ हैं ये कॉर्नर पर ये जो है ना सूखने लगती हैं। तो इसको हम लोग करते क्या हैं, इसको हम लोग सेमी शेडेड एरिया में रखते हैं, हम इसको बंद कमरे में भी रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, कहीं पर भी इसको जगह दे सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा चलता रहता है। मैं इसकी पानी की बात करता हूँ दोस्तों, आप पानी इसमें ज़्यादा भी डाल दोगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा, पानी काफ़ी कम हो जाएगा तब भी ये ख़राब नहीं होगा। होता ये है कि इसमें जो है ना आप देख रहे ये जो पत्तियाँ हैं ये देखिए, इसमें जब भी हम तोड़ते हैं ये देखिए तो ये देखिए स्वैब जैसा निकलता है, इसमें थोड़ा दूध जैसा वाइट वाइट होता है, ये बेसिकली पानी को होल्ड किया रहता है और पत्तियाँ काफ़ी दिन तक बिना पानी के ही चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था, हमारा जो सिंगोनियम है एरोहेड का प्लांट है उसके ऊपर ये, तो ये आप देखिए समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है ना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और दूसरी कोई कमेंट रहते हैं, कोई आपके क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उसका आपको आंसर दूंगा। और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रहती है तो दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, मैं मेरा फेसबुक पे भी सम्य टेरेस गार्डनिंग के पेज है, आप कहीं पर भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जो है ना हम आपका आंसर दे देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था सम्यक टेरेस गार्डनिंग पे, जिसको हमने टॉपिक लिया है सिंगोनियम, इसको एरोहेड कहते हैं, कैसे केयर इसको करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, क्या इसका नेचर है, तो आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। तो अब मैं दोस्तों वीडियो भी करता हूँ बंद, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, नमस्कार।